बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं? इशाल के किचन में वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। आज इशाल के किचन में एक डिफरेंट से नाश्ते की रेसिपी मैं लेके आ गई हूँ। आम रूटीन में तो हमारा आम सा नाश्ता चलता रहता है, अंडा हो गया, पराठा हो गया, चाय हो गई, सालन हो गई, लेकिन आज जो मैं नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, ज़रा डिफरेंट स्टाइल में हाफ फ्राई अंडा बना रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ेंगे अपनी रेसिपी की जानिब। आमलेट कम हाफ फ्राई ज़्यादा की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया है, उसको छील लिया है। आलू बहुत ही छोटे साइज़ का आपने लेना है, नहीं तो फिर आपने हाफ़ कर लेना है, ठीक है। उसको फिर हमने कर लेना है कद्दूकश, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही जाएंगे जो आप नॉर्मली अपने आमलेट में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, टमाटर ले लिए हैं और आलू कद्दूकश कर लिए हैं। चलें अब हम अपने अंडे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं एक एग के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक निक्का सा छोटा सा मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर अपने आलू कद्दूकश किए हुए ऐड कर देने हैं, और इसको हमने हल्का फुल्का सा कुक करना है। आलू हमारे तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं, तो इसमें अब हमने बाकी के अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। प्याज भी ऐड कर देने हैं, टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर के आपने बीज निकाल के उसको चॉप कर देना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा मैंने हरी मिर्च भी स्लाइस करके वो मैंने बीच में ऐड की है। आलू क्योंकि हमारे हाफ कुक हैं, तो बाकी वो कुक सब्ज़ियों के साथ हो जाएंगे। और ध्यान रखना है, आपने सब्ज़ियों को ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा सॉटे फ्राई करना है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फुली कुक हमने नहीं करना है, और क्योंकि इसी में इसका टेस्ट जो है वो डिवेलप हो जाएगा। सब्ज़ियाँ हमारी सॉटे फ्राई हो चुकी हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैं जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ। एक एक चुटकी जो भर के मैं इसमें गरम मसाले की ऐड की है, पिसे हुए धनिया की ऐड की है, और हल्दी की ऐड की है, और 2-2 चुटकी मैंने लाल मिर्च पाउडर की, और इसके अलावा नमक की मैंने ऐड की है। आप चाहें तो अपना टेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। अब स्पाइसेस ऐड करने के बाद तकरीबन हम 1 मिनट इसको कुक करेंगे। तकरीबन 1 मिनट मैंने सब्जियों के साथ पकाया, ये चेक करें हमारी तैयार है सब्जियाँ। अब इसके अंदर हमने जो 1 अंडा है वो इस तरह से बीच में छोड़ देना है। आंच आपने बिल्कुल स्लो नीचे कर देनी है, ताकि जो अंडा है वो हमारा कुक हो जाए। इसको ऊपर से आपने ढक के पका देना है। यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर सब्ज़ियाँ आपको हल्की फुल्की सी कच्ची भी महसूस हो, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके भी उसके साथ उसको कुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही पक जाएंगी। अब अंडा ऐड करने के बाद हमने इसको धीमी आंच पर ढक के पकाना है। तब तक के पकाना है कि जो हमारा अंडा है वो कुक ना हो जाए। ये चेक करें जनाब, हमारा ऑमलेट कम हाफ फ्राई ज़्यादा एग जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट नहीं किया, इसको मैंने पैन में ही सर्व किया है। और साथ मैंने, क्योंकि इसकी जो लुक है ना वो पैन में ही आती है, आप कहीं भी बाहर भी जाएँ ना तो उन्होंने पैन में सर्व किया होता है अंडा, तो इसके साथ मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो टोस्ट करके सर्व किए हैं। और नाश्ते में चाय जो है वो तो लाजमी होती है ना, तो रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।